खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां सरपंच चुनाव में वोट न देने पर मां और बेटे को जहरीला पदार्थ पिलाया और उनके साथ जमकर मारपीट भी की गई। मामले की शिकायत मां और बेटे ने पुलिस थाना बलदेवगढ़ में करवाई है। बता दें कि ग्राम परसुआ प्रेमपुरा निवासी हरदयाल तने मुन्नालाल लोधी ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे को बताया कि चुनाव में वोट ना देने को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और उसे पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर धोखे से पिलाया गया। वहीं मामले में पीड़ित पुत्र हरदयाल लोधी के पिता मुन्नालाल लोधी ने बताया है कि वह खेत से काम करके लौट रहे थे, तभी गांव के राम सेवक लोधी ने उसे ट्रैक्टर से उतार कर पानी में जहरीला पदार्थ पिलाया और फिर उसे मकान में छोड़ दिया। इसके साथ ही दबंगों को बुलाकर हमला भी करवाया। वहीं मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज करवाई है। हम तो भय नहीं हते जे ट्रैक्टर भय के आए तो राम सेवक पप्पू ने रोक ला तो पप्पू भी कहते राम सेवक भी कहते जे वहाँ बैठे आ जो जैसे हो तो अच्छा उसको लड़का ये घायल करेगा बाद में आदमी पहुँचा तो ये मार हम अंधाया थे ये मार है हमें पता नहीं है हम तो टी वी देखे थे व्यक्ति भाई जो भी बहुत हो गया अरे पप्पू ने हमला पहुँचवा हुआ हम तो सो रहे थे सूट में जान ही मिला हमला खाओ बस धमकी दे हमें तो होश नहीं है वहाँ के भग गए कौन कौन थे वो नाम बताएं नाम अब है सुनील ये कहाँ के हैं पेमपुरा सुनील यादव पेमपुरा थाने गए थे बलदेवगढ़ हाँ गए थे क्या कार्रवाई हुई उनकी कार्रवाई करवाई हमने अपने घर पानी पिया था जो जो है पिया हो चाहे जो पिया हो तो घर पहुँचने में वही तो आराम से रख पड़ा था हमारा घर पटक गया और फिर दूसरा पहुँचा उन्हें आदमी तो वे माँ तो हमारे खेत पे थे धान काट रहे थे हमारा कोई पता नहीं था हमारे दूसरा बालक क्या जब उसने देखो जब वो चिल्ली आने वो हमारे वहाँ बोला जब वे माँ भाग गए